हेलो एस्पिरेंट्स, हम लोग आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज के बारे में कुछ टिप्स जानेंगे जो हमें वो याद रखने में हेल्प करेंगे और एग्जाम में हम डीपीएसपी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं क्या है वो टिप। जैसा लोग जानते हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इनको जब मैंने ऑब्जर्व किया तो इनमें कुछ की वर्ड दिखे, अगर वो की वर्ड आप याद कर लेते हो तो आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद हो जाए। सोशलिस्टिक में क्या है इक्वालिटी, फिर सेकंड सोशलिस्टिक में क्या है लाइवलीहुड वर्क एम्प्लॉयमेंट, इसमें कोई भी याद कर लीजिए आप लोग। देन लेबर वेलफेयर, उसका लीगल एड, वेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, असिस्टेंस टू वल्नरेबल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये कुछ वर्ड्स हैं। इनके लिए सब आपके लिए याद रखने के लिए एक इंडिविजुअल वर्ड आप नोट कर सकते हो ताकि आप एब्रीवेशन बनाने में आपके लिए इजी रहे। आप कुछ भी एब्रीवेशन ऐसे में लेटर लिख दिया उसे एब्रीवेशन बनाकर याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे गांधीयन के लिए क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट कॉपरेशन, वीकर सेक्शन का इंटरेस्ट, वीकर सेक्शन का इंटरेस्ट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और स्लॉटर निगम, ये प्रिंसिपल्स कुछ है गांधीयन के अंदर। लिबरल के अंदर प्रिंसिपल्स है चाइल्ड ग्रोथ, मॉडर्निटी, एनवायरमेंट, हेरिटेज, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, उसका इंटरनेशनल पीस, ये सारे की वर्ड्स है। इन की वर्ड्स को आप एब्रीवेशन से याद कर लेते हो तो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कभी नहीं भूलोगे आप। इनके बारे में आप डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, तो एक पूछ भी दिया तो एक कीवर्ड देखकर आइडेंटिफाई कर लोगे फर्स्ट। सेकंड आप क्लासिफिकेशन पूछ सकता है कि सोशलिस्टिक कौन सा है, गांधीयन कौन सा है, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन सा, तो इससे आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे, आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो बस यही, ये अगर आप ठीक ध्यान रखोगे तो आपको एक से दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में डीपीएसपी से संबंधित जो आने वाला है उसमें आपका मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर सिंपली ऑफिशियल चैनल, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, उसको रेफर कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन।